नमस्कार दोस्तों, आ गए हम आपके साथ न्यूमेरिकल वाले टॉपिक को लेकर। हम बताए थे ना कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में एक न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का जरूर पूछेगा और एक न्यूमेरिकल फिजिक्स का भी पूछेगा। लेकिन लोग यहां क्या बोलते हैं कि फिजिक्स में ही सिर्फ न्यूमेरिकल होता है, केमिस्ट्री में नहीं होता। लेकिन आप जान लीजिए, केमिस्ट्री में चार ऐसे टॉपिक हैं जिससे फिक्स है एक न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा, चाहे वो गैसों का आचरण हो, चाहे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट हो, या पीएच स्केल का सवाल हो, पूछेगा। तो हम आपको धीरे धीरे आपके ग्रुप डी एग्जाम से पहले इन सारे तरह के न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। फिर फिजिक्स में भी आपका लाइट का हो गया, या फिर मोशन का हो गया, ग्रेविटेशन का हो गया, या हीट का हो गया, जिसमें भी न्यूमेरिकल आपका बनेगा, उन सारे टॉपिक का न्यूमेरिकल लेकर हम बारी बारी से आपके सामने आएंगे, एकदम टॉपिक वाइज लेकर आएंगे, ताकि इजी वे में आप बना सके। तो यदि आप गैसों का आचरण का यह न्यूमेरिकल है और यह टॉपिक आप नहीं पढ़े हैं, तो हमारे YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर ये ऑलरेडी पहले हम आपको पढ़ा दिए थ्योरी और इक्वेशन, उसके बाद ये न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं। तो आप वहां जाकर इसकी थ्योरी और इक्वेशन को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। देखिए, कभी भी न्यूमेरिकल बनाइए तो सबसे पहले प्रयास ये कीजिए कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेना है, और जो पूछता है उसके लिए सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। तो जैसा कि सवाल यह है कि यदि 1400 मिलीमीटर दबाव पर, तो इसका मतलब देखिए P1 का मान कितना दे दिया, P1 का मान 1400 मिलीमीटर दे दिया। गौर कीजिएगा, कहता एक पात्र में बंद किसी गैस के 50 मिलीलीटर को, 50 मिलीलीटर दे दिया तो मतलब वॉल्यूम दे दिया, तो P1 का मान इतना था और V1 का मान कितना हो जाएगा, 50 मिलीलीटर हो जाएगा। कहता तापमान पर 125 मिलीलीटर तक फैल जाता है, यानी V2 का मान कितना दे दिया, V2 का मान दे दिया 125, V2 का मान कितना दे दिया 125 मिलीलीटर। तो आपसे दबाव क्या होगा, यानी P2 बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। यानी आपको पहला वॉल्यूम दे दिया था, पहला प्रेशर दे दिया, दूसरा वॉल्यूम दे दिया, आपसे दूसरे प्रेशर के बारे में पूछा। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन की बात होती है तो एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, बॉयल्स लॉ वाला। हम आपको पढ़ा चुके हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, आपको हम पहले वीडियो में बताए थे बॉयल्स लॉ में फॉर्मूला, P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2, ऐसा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। अब देखिए P1 का मान कितना था भाई, 1400, V1 का मान कितना था 50, P2 के बारे में तो पूछिए रहा था, तो ये P2 हो गया, और V2 का मान कितना हो जाएगा भाई, तो V2 का मान आपका हो जाएगा 125, V2 का मान भाई कितना हो जाएगा, तो V2 का मान हो जाएगा 125। अब इसको हम क्या करेंगे, आराम से कार्ड जो दिया था आपके सामने है, अब सबका मान बैठा दिए, P2 का मान इजी से निकल जाएगा। देखिए 10 से इसको यदि 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, अब 25 पचे कितना हो जाएगा 125। अब इसको भी काट देंगे 5 से, तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 8 40 और 0, तो 280 गुना 2 करेंगे तो P2 का मान कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, यानी 560 हो जाएगा। है किसी ऑप्शन में 560, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया था वो डाटा हम लिख लिए, P1 का मान दिया था, V1 का मान दिया था, V2 का मान दिया था, P2 पूछा, तो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2, पहला प्रेशर पहला वॉल्यूम, दूसरा प्रेशर दूसरा वॉल्यूम, पट पट मान बैठाइए, सट सट इसको काटिए और खट खट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त, 560 आ गया। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा, यदि थोड़ा भी इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम है तो आप द नेचर ऑफ गैसेस का जो थ्योरी हम पढ़ाए थे उस वीडियो को एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि एक सिलेंडर जो है, कहता एक सिलेंडर में गैस का आयतन 80 लीटर 200 वायुमंडलीय दबाव पर है, 80 लीटर दिया, इसका मतलब V1 का मान कितना दे दिया, V1 का मान 80 लीटर दे दिया, 200 वायुमंडलीय दबाव पर मतलब प्रेशर दे दिया, तो P1 का मान कितना दे दिया भाई, P1 का मान 200 दे दिया। कहता है कि 800 मिलीलीटर आयतन का
कितना सिलेंडर भरा जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ सिलेंडर आपसे पूछ रहा है, और एक सिलेंडर में भरना कितना है, मात्र 800 मिलीलीटर, और 800 मिलीलीटर बोले तो 0.8 लीटर के बारे में पूछा। तो सबसे पहले टोटल वॉल्यूम हम निकाल लेंगे और उसमें 0.8 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा, और इसमें जबकि वायुमंडलीय दबाव कितना दे दिया आपको, 76 दे दिया, मतलब P2 का मान दे दिया, P2 का मान कितना दे दिया 76 सेंटीमीटर दबाव का, मतलब होता है एक वायुमंडलीय दबाव, तो इसका मान 1 दे दिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको V2 का मान निकाल लेना होगा। तो V2 का मान कैसे निकलेगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन से कैसे निकलेगा, तो P1 × V1 बराबर P2 × V2। अब देखिए P1 का मान कितना था 200 गुने, V1 का मान कितना था 80, P2 का मान कितना था 1, अब V2 तो पूछ ही रहा था, तो V2 का मान क्या हो जाएगा 8 × 16, तो 16 3 × 0, इसका मतलब V2 का मान कितना हो गया 16000 हो गया, V2 का मान कितना निकल गया 16000 निकल गया। लेकिन आपसे आयतन नहीं पूछा था, बोला था नंबर ऑफ सिलेंडर कितना होगा, और एक सिलेंडर में भरना कितना था 800 मिलीलीटर यानी 0.8 लीटर, तो 800 मिलीलीटर यदि एक में भरना है तो इतना आयतन को भरना है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे 16000 में 0.8 से डिवाइड कर देंगे। ये 0.8 कहां से आया, तो चूंकि 800 मिलीलीटर वाला भरना था, तो जब 800 मिलीलीटर है तो उसको आप 0.8 लीटर लिख सकते हैं, तो 0.8 लीटर है तो इसको दशमलव को हटाइएगा, एक और जीरो चला जाएगा और इसको काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी ये आपका हो गया कितना 20000 हो गया। है किसी ऑप्शन में क्या 20000, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, जो क्वेश्चन में दिया था लिख लिए और जो निकालना था आराम से निकल गया, कोई कंफ्यूजन। चलिए आइए तीसरा सवाल आपसे कहता है, एकदम गौर से देखिएगा बाबू, न्यूमेरिकल है ये, जब तक गौर से पूरा अच्छे तरीका से नहीं देखिएगा तो एकदम नहीं समझ में आएगा, और ग्रुप डी के लिए ये न्यूमेरिकल रामबाण साबित हो सकता है, एक एक नंबर लाखों लाख बच्चे को पीछे कर देते हैं, इसलिए मेरे दोस्त इसको एकदम गौर से पूरे अच्छे तरीका से देखिएगा। यदि थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे तरीका से समझ में आएगा। अगला है कि किस तापमान पर, यानी टेम्परेचर के बारे में आपसे पूछा कि किस तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का 17 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया आयतन दुगुना हो जाएगा। गौर कीजिएगा, आपसे ये T2 का मान किस तापमान पर, सपोज कीजिए T2 का मान आपसे पूछा, T1 का मान कितना दिया था, T1 का मान 17 दिया डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं 273 जोड़ देते हैं, तो 17 में क्या करेंगे भाई 273 जोड़ देंगे 7 × 3 = 10, 7 × 1 = 9, 2 × 2 = 2, तो हो गया 290। ये 290 क्या हो गया आपका केल्विन हो गया, टेम्परेचर पहला टेम्परेचर, दूसरा तो पूछिए रहा था, कहता आयतन दोगुना हो जाए, तो इसका मतलब पहला आयतन जो V1 जो है ये भी होगा, तो V2 का मान कितना हो जाएगा 2 भी हो जाएगा, और आपसे पूछा क्या था टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, चासलों में हम आपको पढ़ाए थे, इसका रिलेशन है V1/T1 बराबर V2/T2, V1/T1 बराबर V2/T2, चासलों में ऐसा हम आपको पढ़ाए थे। अब सबका मान बैठा देंगे, V1 का मान कितना हो गया भाई भी हो गया, और T1 का मान कितना हो गया, T1 का मान 290, तो V/290 बराबर V2 का मान कितना 2V/T2। अब गौर कीजिएगा, ये भी और भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो T2 का मान कितना हो जाएगा 290 × 2 करें कितना 29 × 9 = 18, 2 × 2 = 4 = 5, ये 580 आ गया, तो 580 किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 580 केल्विन। एकदम आराम से देखे, जो जो डाटा क्वेश्चन में दिया लिख दिए, हम चूंकि डिग्री सेल्सियस में था तो ये आपको जानना पड़ेगा कि डिग्री सेल्सियस में डाटा हो टेम्परेचर का तो 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में आ जाएगा, केल्विन में निकाल लिए, बाद में की फॉर्मूला में बैठाए पट पट काटे और खट खट इसका आंसर आ गया, आंसर कितना हो गया भाई 580 हो गया। चलिए कोई कंफ्यूजन,
एकदम। और आप लोग घर पे जाके क्वेश्चन देकर खुद से भी कॉपी पर बनाने का काम कीजिएगा, ताकि एग्जाम में दो न्यूमेरिकल यदि आपका सही हो जाता है तो आप समझिए लाखों लाख बच्चे से आगे निकल जाएंगे और आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कंपटीशन में एक एक नंबर का बहुत बड़ा महत्व होता है मेरे दोस्त। इसलिए हमारे सेशन को लगातार आप देखते रहेंगे, हर तरह के कंफ्यूजन आपके एग्जाम के लिए हम आपको क्या करेंगे, दूर कर देंगे। चलिए आइए अगले सवाल को देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या कहता है, ये सवाल आपका कहता है, एकदम गौर से देखिएगा, कहता है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस को ठंडा करके आयतन घटाकर, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो T1 का मान दे दिया 27, ये डिग्री सेल्सियस में है तो इसको क्या करेंगे, केल्विन में बदल देंगे, तो केल्विन में बदलेंगे 273 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 केल्विन, टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। कहता है कि आयतन घटकर 1/3 कर दिया जाएगा, यानी वॉल्यूम V1 को भी मान लिया जाए तो V2 कितना हो जाएगा, V/3 हो जाएगा। तो कहता है कि आयतन पर तापमान, इस आयतन पर तापमान बताए जबकि दबाव स्थिर है, यानी T2 का मान पूछता है, T2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, T2 बराबर हुआ, यानी आपसे दूसरा टेम्परेचर पूछता है, पहला टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस था बाबू, तो अभी ना बताए कि डिग्री सेल्सियस में हो तो 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में हो जाएगा, तो 27 + 273 कितना, 300, V1 का मान भी, और ये बोला 1/3 हो जाए तो V2 का मान V/3, तो T2 पूछा, तो टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, V1/T1 बराबर V2/T2, V1/T1 बराबर V2/T2। तो जल्दी हम अप्लाई कर देंगे भाई, V1/T1 बराबर V2/T2। अब V1 का मान कितना भाई, भी तो हो जाएगा V/T1 का मान कितना, 300 बराबर V2 का मान कितना, V/3 गुने T2 तो पूछिए रहा था आपसे। अब क्या करेंगे, ये भी और कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 100 हो जाएगा, तो T2 का मान कितना निकला, 100 केल्विन निकला। है किसी ऑप्शन में 100 केल्विन भाई, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 केल्विन। देखिए हम कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन और ये सब ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है बाबू, इसको आराम से आप लोग देखिए और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, जो जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ था उसका मान हम लिख लिए, जो पूछ रहा था उसको निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किए, पटपट मान बैठाए, सट काटे और खटखट इसका आंसर आ गया, पक्का आ गया ना, यदि आ गया तो आप इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त, ताकि हर बच्चे को यह पता चल जाए कि केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जिस तरह हम आपका मदद करते हैं आप भी मेरे दोस्त मदद कीजिए, ताकि हम आप दोनों जो है मिलकर आपके एग्जाम को क्रैक करवाने में हम पूरी तरह से आपका सपोर्ट करेंगे। चलिए तो आइए अगला सवाल कहता है आपका, अगला सवाल यह है, गौर से देखिएगा, यह सवाल आपका कहता है कि 0.224 लीटर, इसका मतलब V1 का मान कितना दे दिया, 0.224 लीटर दे दिया। कहता हाइड्रोजन गैस सामान्य तापमान पर, जब क्वेश्चन में सामान्य तापमान लिखा रहेगा तो ध्यान दीजिएगा इसका मान होता है 273 केल्विन, जब सामान्य तापमान देगा तो 273 केल्विन टेम्परेचर हो गया। कहता दबाव पर, दबाव भी क्या है भाई, सामान्य है, तो जब सामान्य दबाव की बात करेगा तो सामान्य दबाव 1 हो जाएगा। कहता गैस के मोलों की संख्या क्या होगा, यानी एन का मान आपसे पूछा कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा। अब यहां पर एक चीज आप पढ़े होंगे, आइडियल गैस इक्वेशन बताए थे PV = nRT, याद है PV = nRT, ये आपका है आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें आपसे n का मान पूछा, और r का मान सबको पता है, r का मान होता है 0.082, r का मान कितना होता है 0.082, r का मान होता है। तो अब हम क्या करेंगे, n का मान पूछा तो सबका मान इसको इक्वेशन में बैठा देंगे, PV = nRT में सबका मान बैठा देंगे, अब पट पट काटेंगे खटखट आंसर आ जाएगा। P का मान कितना था भाई, 1 था, V का मान कितना था 0.224, N के बारे में पूछ रहा था, R का मान कितना 0.082, और टेम्परेचर कितना 273, तो यहां पर हो गया 273,
जो जो मान दिया हुआ था सारा मान हम लिख दिए, एन का मान पूछा था। अब यहां से देखिए, ये भी दशमलव है, ये भी दशमलव के बाद तीन अंक, दशमलव के बाद तीन अंक, तो ये भी दशमलव उड़ जाएगा, ये भी दशमलव उड़ जाएगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 224 बट्टे हो जाएगा 82 गुने आपका 273। तो 82 गुने 273। अब यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.01। क्या आ जाएगा? 0.0। यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। ये ऑप्शन में है, एक नंबर में, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। फिर एक बार देखिएगा, कहता था इतना लीटर हाइड्रोजन गैस है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 200.224 लीटर। कहता सामान्य तापमान और दबाव, जब सामान्य टेम्परेचर की बात करेगा तो आपको समझ लेना 273, सामान्य प्रेशर की बात करेगा समझ लेना है 1, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा दिए, पीवी बराबर एनआरटी। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आदर्श गैस समीकरण निम्नलिखित में से कौन है, तो पीवी बराबर एनआरटी। और आर का मान आपको पता है, आर का मान होता है 0.082, क्योंकि आर क्या है, तो आइडियल गैस कॉन्स्टेंट है, और इसका वैल्यू 0.082। अब सबका मान यहां पर बैठा दिए, पटपट काटे और खटखट इसका आंसर आ गया। यदि आपको यह न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा अच्छे तरीका से, तो आप एक बार फिर से घर पर जाकर इसको बनाइएगा। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, यदि अच्छा लगा होगा तो शेयर मेरे दोस्त जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।